तो हेलो गाइज, माय नेम इज अजमल खान। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो मेरे पास गाड़ी है वो है भाई यूट्यूब की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली गाड़ी है भैया। ये तो रोड पे भी ट्रैफिक है और शोरूम्स में भी इस गाड़ी का ट्रैफिक है। और भैया इस गाड़ी का यूट्यूब पे भी बहुत ट्रैफिक है। इंडिया की जनता इस गाड़ी को यूट्यूब पे इतना ज़्यादा सर्च कर रही है कि भैया हमारी मजबूरी इस गाड़ी को बार बार कवर करना। तो लीजिए भैया, दर्शन कर लीजिए इस गाड़ी का। टाटा की बेजोड़ गाड़ी का दर्शन करिए भाई। ये देखिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ी ने भैया जलवे बिखेरे हैं। टाटा ने खूब धड़ल्ले से बेचा है। और भैया सबसे पहले बात करें इसके कॉस्ट की, तो भाई बेस वेरिएंट है और देखिए ये मॉडिफाइड वेरिएंट है और इस वेरिएंट का रेट भाई कंपनी दिया है बढ़ा। अब आपको इस गाड़ी को लेने के लिए वेटिंग तो छोड़ दीजिए, आपको 15-16 हज़ार वेटिंग भी आपको लेना पड़ेगा और 15-16 हज़ार और एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ है भाई, इतनी डिमांड गाड़ी की रही कि भाई कंपनी ने मजबूरन इस गाड़ी का रेट बढ़ाना पड़ा कंपनी को। तो ये देखिए सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल में। फ्रंट में देखिए ये इसके ग्रिल की बात करूँ, देखिए ये पियानो ब्लैक फिनिश पे आपको ग्रिल मिल जाएगी जो कि नेक्सॉन से इंस्पायर्ड लगती है। बीच में टाटा का जो चमकता हुआ लोगो मिल जाएगा आपको। और DRLs देखिए यहाँ पे इसके अपर वेरियंट में यहाँ पे DRLs आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई ये बेस वेरियंट है तो इसमें आपको हाइलोजन मिलने वाला है। ये टर्न इंडिकेटर जो है ये भी आपको हाइलोजन मिलने वाला है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पियानो ब्लैक फिनिश पे ये कंटिन्यू होता है, जो गाड़ी में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जान लेके आता है। ये जो गाड़ी का फ्रंट लुक है ना, वो काफ़ी SUV वाला लुक देता है भाई, देखने में काफ़ी इन्हेंस करता है लुक को। और उसके बाद बात करें इसके हेडलाइट की, तो भाई हेडलाइट देखिए इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा। तो ये भी काफ़ी लाइट का थ्रो हालांकि काफ़ी अच्छा है, जो इसका शेप जिस तरह का बनाया है इन्होंने तो काफ़ी अच्छा है भाई। बाकी एयर कटिंग के लिए, एरोडायनामिक बनाने के लिए यहाँ पे एक एयर विंड दिया हुआ है जिससे हवा निकलती है, इससे आप आसानी से जो है एयर कटिंग गाड़ी कर पाती है और आगे डिस्टेंस को अचीव करने में आसानी होती है और माइलेज वगैरह में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है इसकी वजह से। बाकी यहाँ पे देखिए ये गाड़ी अगर कभी फंस जाती है टो करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इस फ्रंट की जो प्रोफाइल है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको ये आपको फाइबर मिलने वाला है। प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक की बॉडी है, हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, लड़ने वड़ने पे टूटने वाला हिसाब किताब नहीं है, ये पचकेगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कस्टमर्स के लिए। और बाय द वे ये जो एरिया जो ब्लैक इन्होंने कर दिया है, ये वाइट से ब्लैक नीचे जो जो स्किड प्लेट वगैरह ये प्रॉपर तरीके से ब्लैक मिलने वाले हैं आपको। देखिए फॉग लैम्प का यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, हाउसिंग जो है यहाँ पे दी हुई है। बाकी एरोडायनामिक बनाने के लिए दोनों लाइटों के बगल में जो है एयर निकलने के लिए जगह छोड़ी गई है। और ये देखिए आपको ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना ये खाली जगह, यहाँ पे भाई हॉर्न का प्लेसमेंट किया गया है। बाकी देखिए ओवरऑल देखने में गाड़ी फ्रंट से काफ़ी प्यारी लगती है। और ये इस गाड़ी को डुअल टोन हम लोगों ने करवाया था, ये डुअल टोन हम लोगों को कराने का ये मैट फिनिश पे है। बाकी जो जो टॉप मॉडल में आती है वो आती है ग्लॉसी फिनिश पे, लेकिन ये मैट फिनिश पे ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है देखने में। उसके बाद आइए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल की अगर बात करें, देखिए साइड से देखने में तो भाई गाड़ी पूरी प्रॉपर तरीके से SUV लगती है, ये माइक्रो SUV करके कंपनी इसको क्लेम करती है। बाकी फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो देखिए ये पैनल गैप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट किया है टाटा ने पैनल गैप्स वगैरह में, तो ऐसा कुछ दिखता है। ये देखिए साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर की। देखिए टायर में जो स्टील रिम इन्होंने दिया ना, ये देखो यहाँ पे टाटा ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि स्टील रिम से भी आदमी काम चला सकता है। इन्होंने स्टील रिम में भी देखो ये टाटा का लोगो दे दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भाई। बाकी ये देखिए बॉडी क्लाइडिंग जो है ना साइड में, ये ब्लैक कलर की बॉडी क्लाइडिंग मिलती है, यहाँ से वहाँ तक देखिए आपको ब्लैक क्लाइडिंग मिलने वाली है जो कि इवन ये भी अच्छी लगती है, थोड़ा सा ऑड तो लगता है वाइट पे लेकिन फिर भी सूटेबल है। जब ऊपर का ब्लैक हो जाता है तो ये नीचे और ऊपर का कॉम्बिनेशन जो है ना ब्लैक ब्लैक जब हो जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। और बात करें इसके साइड मिरर की, ORVM की अगर बात करें तो ORVM आपको देखिए ग्लॉसी नहीं मिलने वाला है, ये आपको मैट फिनिश पे मिलेगा। बाकी सबसे अच्छी बात बताऊँ इसके इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर जो इन्होंने प्लेस किया यहाँ पे ना, ये बहुत अच्छा भाई इन्होंने यहाँ कर दिया। बेस मॉडल से 5.5-6 लाख की गाड़ी में, 5.5 लाख एक शोरूम है, 6.5 लाख में यहाँ इसको आप परचेज़ कर सकते हैं ऑन रोड प्राइस पे, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, तो ये अच्छा लगा। और बाकी ये देखिए बेस मॉडल है तो यहाँ पे ये जो डोर हैंडल है ये भी ब्लैक ही मिलेगा आपको, ऐसा कुछ दिखता है। बाकी देखिए ये आपका मिरर के सराउंड में जो है सब प्रॉपर तरीके से आपको ब्लैक मिलने वाला है। बाकी इसके USP की बात करूँ तो देखिए ये इसके जो डोर है ना ये पूरा 90 डिग्री खोलते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एजेड आदमी को गाड़ी में बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद बात करें इसके व्हील बेस की, देखिए व्हील बेस की बात नहीं किया मैंने, इसमें आपको फ्रंट में भी आपको फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है और बैक साइड में आपको ड्रम मिलेगा। देखिए आपको डिस्क का लीवर मिल दिखेगा, जब आप इसमें अलॉय होता तो आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क दिखता, लेकिन ये इसमें डिस्क है। ये इसमें टायर की बात करो तो सीएट का टायर लगा के देती है। और टायर की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको
ये 15 इंच का आपको 185/70R15 का ये इसमें टायर प्रोफाइल मिलता है। तो 15 इंच का टायर है, टायर ज़्यादा साइज बढ़ा देते तो थोड़ा माइलेज इतना आपको अच्छा नहीं मिल पाता। ये बेस मॉडल है, देखिए इसमें आपको नॉर्मल सा इंडिना मिल जाएगा, इसके अपर वेरियंट में आपको शार्प इंडिना मिल जाते हैं। एयर कटिंग के लिए देखिए, एरोडायनामिक बनाने के लिए टायर के सामने ये देखिए यहाँ पे एयर विंड भी, ये देखिए आपको यहाँ से एरोडायनामिक बनाने के लिए गाड़ी को ये थोड़ा सा जो है गैप छोड़ा इन्होंने, जिससे एयर आसानी से निकल सके, गाड़ी पे एयर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो। और बाकी बात करें ये पीछे देखिए, यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्टर दिया है, दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, नीचे पार्किंग लाइट मिल जाएगी और ऊपर आपको हाई स्टार्ट स्टॉप लैंप यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर कोई डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है। उसके बाद इसके टेल लैंप की बात करूँ, देखिए इसमें भी टेल लैंप भी हैलोजन प्रॉपर तरीके से हैलोजन मिलता है। इसके अपर वेरियंट में आपको LED मिलने वाला है, लेकिन इसमें बेस मॉडल है ये, तो इसमें आपको हैलोजन मिलने वाला है, टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलेगा। बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस भी ठीक ठाक है इसमें, मतलब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी बात करूं इसके पार्किंग सेंसर की, तो इसमें आपको दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो कि सफिशियंट है इस गाड़ी के हिसाब से भाई। मतलब आजकल के जो सेंसर है ना, वो हालांकि पहले आपको चार सेंसर मिलते थे, तो ये आप अगर देखेंगे तो कहेंगे कि भाई इसमें दो ही सेंसर है, लेकिन अब जो सेंसर आते हैं ना वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो कवर कर जाते हैं। ये तो है कि यहाँ पे जो थोड़ा सा मान लीजिए कोई किनारे यहाँ पे आएगा तो शायद कवर ना करें, लेकिन ये बाय द वे मेरे ख्याल से ये जो है कवर कर लेते हैं। मेरे I20 में भी दो ही आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं, वो भी कवर कर लेते हैं ठीक ठाक। बाकी यहाँ पर देखिए पंच की बैजिंग मिल जाएगी, टाटा का लोगो मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखता है भाई। ओवरऑल गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी देखने में काफ़ी शानदार है और प्रॉपर तरीके की SUV है भाई। 6.5 लाख की रेंज में आप SUV लेके चलिए, वो ज़्यादा अच्छा है भाई, वो बेहतर फील देता है आपको और मज़ा देता है आपको भाई। बहुत लोग पूछते होंगे कि ये बेस मॉडल है तो चाबी कैसी, देखिए ये आपको मैनुअल चाबी मिलेगी, कोई कीलेस एंट्री या आपको रिमोट कंट्रोल वाली चाबी इसमें नहीं मिलने वाली है। इसके अपर वेरिएंट्स में से अब मैं आपको इसके अपर वेरिएंट से आपको शायद ये नॉर्मल जो वो आपको मिलती है रेगुलर कीज़ जो उस तरह की होती है, जो सेंट्रल लॉकिंग वाली होती है, वो कीज़ मिलती है। इसमें तो आप बेस मॉडल है तो इसमें आपको वही ऐसा कुछ चाबी मिलने वाला है देखने को। बाकी इसके मिरर की बात करो तो भाई इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको इसको खुद ही हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है भाई। ये थोड़ा सा डिमेरिट्स है इसके ग्लास का, हालांकि फिर भी भाई 6.5 लाख की रेंज में गाड़ी दे रहा है तो टाटा तो क्या और क्या कहेंगे, इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, ड्राइव सेफ़।